अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज हम MGT 301 का थीम 3 स्टार्ट करेंगे, जो मिड टर्म के लिहाज से होगा कि मिड टर्म में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में, और इंपॉर्टेंट सारे हम जो टॉपिक होंगे कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थीम 3 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। बल्कि मार्केटिंग इज़ ए सराउंडिंग बाय इन्वायरमेंट विच हैज़ अफेक्टेड एक्टर फोर्सेस एंड आफ्टर मेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मार्केटिंग के जो एक्टर फैक्टर हैं वो किस चीज़ पर अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव किस में अफेक्ट करते हैं, दोनों में अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर एक्टर्स क्या हैं, एक्टर हमारे पास कस्टमर है, सप्लायर है, सारे हैं, और फैक्टर हमारे पास क्या हो गए हैं, पब्लिक हो गई, और हमारे पास जो हैं फोर्सेस क्या हो गए, इकोनॉमिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं हमारे बिज़नेस को, बिज़नेस में नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जब बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं इसका मतलब हमारी मार्केटिंग को भी अफेक्ट करती हैं। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटजी प्लानिंग। स्ट्रेटजी प्लानिंग इज़ द प्रोसेस टू डेवलप टू मेंटेन स्ट्रेटजी फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपेबिलिटी। उनका स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में प्लानिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलप करती है, ऐसी पॉलिसी डेवलपमेंट करती है, ऐसी प्लानिंग डेवलपमेंट करती है, ऐसी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट बैठती हूँ, हमारे इन्वायरमेंट के लिए फिट बैठती हूँ, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाना, वो क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी प्लानिंग में आ जाता है। नीचे हम चले आते हैं, इसमें लिखा हुआ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग। पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, और इसमें से किसी के बारे में भी कहा जा सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें। पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हम प्लानिंग हमारे पास ये 5 टाइप की होती हैं, इन्वायरमेंट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव की करके हम इनको देखते हैं। इन्वायरमेंट एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडी एक्टर फैक्टर प्रोसेस एंड आउटसाइड मार्केटिंग टू मैप चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक्टर फैक्टर और प्रोसेस, जो हमारी मार्केटिंग होती है बेसिकली इन 3 फैक्टर में बेस करती है, एक्टर फैक्टर फोर्सेस में, और ये क्या आउटसाइड मार्केटिंग टू मैप चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, जो मैप करती है हमारी, जो मेयरमेंट करती है अपॉर्चुनिटी को, मेयरमेंट करती है और चैलेंजेस को मेयरमेंट करती है। और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टर कौन से होते हैं, फैक्टर कौन से होते हैं, ये सारी फोर्सेस की हैं, इनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी पॉलिटिकल फोर्सेस, इकोनॉमिकल, जी हमारे पास इन्हें फोर्सेस बताई हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस से आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। कि इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस इज़ द फॉर्म ऑफ स्टडी एक्टर एंड फैक्टर इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने आगे स्टडी की थी इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो थी वो आउटसाइड, देखिए इन्वायरमेंटल एनालिसिस किससे बाहर होता है, बाहर है तो वो क्या है, आउटसाइड है। इंटरनल, इंटरनल मतलब इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी करते हैं एक्टर और फैक्टर को, तो वो क्या होता है, हमारे पास इंटरनल एनालिसिस हो जाता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर स्टडी करते हैं तो वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो जाता है। जो इंटरनल एनालिसिस होता है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को मैप करता है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है उसको मैप करेगा। लेकिन जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है वो जो चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटी को मैप करता है। उसके बाद उनके दीज एक्टर फैक्टर फोर्सेज रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी वगैरह, आगे इन्होंने ये बताया हुआ। आगे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, आप जब भी जाते हैं अपने जब बच्चे को लेके जाते हैं एडमिशन के लिए, तो क्या कहते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये उसमें बच्चा कहाँ से आया, उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, सारा बे फॉर्म वगैरह सब चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग में भी और बिजनेस में भी पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो मीन बास्केटिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर ऑफर, एक ऐसी बास्केट है जहाँ हम अपने गुड और सर्विसेज को ऑफर करते हैं। पोर्टफोलियो आर द बास्केट, पूछा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बास्केट है गुड एंड सर्विसेज की, तो पोर्टफोलियो एक ऐसी बास्केट है जहाँ हम गुड एंड सर्विस ऑफर करते हैं। इन पोर्टफोलियो एनालाइज द प्रोडक्ट एंड बिजनेस आर इवेल्युएट बाय द मार्क मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट एक्टिविटी हैज़ बी एसेंशियल इन स्ट्रेटजी प्लानिंग। पोर्टफोलियो जो है एनालाइज करता है प्रोडक्ट और बिजनेस को, इवेल्युएट करता है और वैल्यूएट करता है अपनी मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटी हैं वो हमें मिल रही हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स वैसे मिल रहा है। आगे है रिजल्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस। रिजल्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैप करता है। उसके बाद हमारे पास आता है विजन। विजन क्या होता है, गिव लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि हम कहते हैं कि
जी हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर के हम ये करेंगे, हमारा मतलब एम हो गया कि हम इन फ्यूचर ऐसा करेंगे। उनके लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, व्हाट इज़ अ वांट टू बी इन अ लॉन्ग टर्म, कि हम लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पोर्ट इन फॉरवर्ड स्पोर्ट इन इज़ अ पाकिस्तानी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेट मेक अ स्कॉलर बॉल इंटरनेशनल। वो कहते हैं कि एक कंपनी है, उसका विजन है कि वो कि इन फ्यूचर में क्या करेगी, एक फुटबॉल गेम के लिए फुटबॉल बनाएगी। तो वो क्या है, उसका एक विजन है, उसका एक एम है, ठीक है, उस तरह उन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है जी आगे, इन्होंने हमें एक दो एग्जांपल दी हुई कंपनी की, ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी है। उसके बाद मिशन क्या होता है, मिशन क्या होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ है। जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, मतलब एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसको कोई कोई ना कोई मिशन होता है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मिशन क्या है, लर्निंग है, ठीक है, आपका मिशन है लर्निंग। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई पर्पस होता है जिस वजह से वो काम करती है। उनके ऑर्गेनाइजेशन पर्पस को क्या कहते हैं, हम कहेंगे मिशन। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से उन्होंने नीचे हमें एक दो एग्जांपल दी हुई है, ये इस कंपनी की दी हुई है कि ये एक स्पोर्ट का कंपनी है इन द वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद नीचे इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ खास इतना नहीं है। उसके बिज़नेस पोर्टफोलियो उन्होंने बताया, बिज़नेस पोर्टफोलियो ऑफ अ बिज़नेस ए प्रोडक्ट मेकअप। उनके वही बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या होगा, जिसमें बिज़नेस की प्रोडक्ट को हम आपस में क्या करेंगे, ऑफ़र करेंगे कि ये चीज़ है, जिसमें हमारी मतलब कंपनी की ऑल प्रोडक्ट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हाउस होल्ड के आइटम बना रही है, तो जैसे कि हैंड सोप, डिटर्जेंट, वाइटनर, और ये सारी क्या आ जा रही है, ये इसके पोर्टफोलियो में आ रही है कि कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट, इसको हम एसबी भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा यूनिट होता है कि जहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सेपरेट प्लानिंग करती है, अपने बिजनेस से हट कर प्लानिंग करती है, उसको कहते हैं स्ट्रेटजी बिजनेस प्लानिंग। उसके बाद हमारे पास बीसीजी मैट्रिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है। बीसी मैट्रिक क्या होता है आपसे, और ये सारा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बीसी मैट्रिक इज़ अ टूल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, एक ये मैट्रिक है जिसमें पोर्टफोलियो एनालाइज किया जाता है हमारी, यानी कि स्केल ऑफ मार्केटिंग स्ट्रक्चर शेयर को और मार्केटिंग ग्रोथ को, यानी कि पोर्टफोलियो को एनालाइज किया जाता है दो चीज़ों पे, एक मार्केटिंग शेयर पे और एक मार्केटिंग ग्रोथ में। बीसीजी का मतलब है एनालाइज करना पोर्टफोलियो को, किस तरह स्केल में एनालाइज करना, एक मार्केटिंग शेयर पर, मार्केटिंग स्टार पे। उसके आगे से नीचे से टाइप दी है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, एंड कैश का, कैश काउ एंड डॉग। देखिए स्टार, स्टार क्या होता है, हम कहते हैं बहुत एक जो अच्छी चीज़ होती है, हम कहते हैं ये स्टार है। जैसे कि कोई अगर क्या कहते हैं टॉप करता है, तो हम ये कहते हैं ये स्टार है। तो ये उसमें क्या करें, इन स्टार मतलब हाई लेवल। तो आप इसे याद रखें कि जब हाई ग्रोथ रेट होगा और हाई मार्केट शेयर होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं, यानी कि हाई मार्केट रेट होगा और लो, यानी एक हाई होगा और एक लो है। उसके बाद है कैश काउ, इसमें क्या है, लो ग्रोथ रेट एंड हाई हाई मार्केट मार्केट शेयर। इसमें से आप क्वेश्चन मार्क याद कर लें, उसका ऑपोजिट क्या होगा, कैश का होगा। स्टार आपको मैंने वैसे ही याद कराती है, और डो का मतलब होता है, हम कहते हैं सबसे निचली दर्जे होती है, यानी डो को हम अच्छे नहीं समझते, बैड एनिमल समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर चीज़ की लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड लो मार्केट मार्केट शेयर। ये हमारे पास इस तरह हम आप याद कर सकते हैं, स्टार में हम दोनों हाई होंगी, लो में लो होंगी, और क्वेश्चन मार्क में आपने यानी कि हम कंफ्यूज हैं, एक आप याद कर लें और उसको ऑपोजिट कैश का हो जाएगा, कैश का हो याद करें, क्वेश्चन मार्क इसमें आपकी मर्ज़ी है। आगे हम चलते हैं, उसके बाद है प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्सपेंशन ग्रिड। ये जो आगे जितनी भी डेफिनेशन है, सारे एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसी के बारे में भी। अब ये होती क्या है, मार्केट एक्सपेंशन इज़ अ टूल ऑफ आइडेंटिफाइंग कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थ्रू द मार्केट पेंटिलेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिवर्सिफिकेशन। अब उन्होंने क्या कि ये आइडेंटिफाई करती है कंपनी को, ग्रोथ को आइडेंटिफाई करती है। देखिए एक्सपेंशन मतलब फैलाना, फैल जाना, ठीक है। तो जो मार्केटिंग की जो ग्रोथ एक्सपेंश हुई है, एक्सपेंशन हुई है, अपॉर्चुनिटी हुई है मार्केट ग्रोथ की, जब एक्सपेंशन होगा तो उसकी ग्रोथ होगी ना। तो ग्रोथ हुई है किसके थ्रू हुई है, उसको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि मार्केटिंग ग्रोथ हुई है किस किन के बिहाफ में, मार्केट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे आप उन्होंने इन चारों पाँच छः जितनी भी चीज़ें इनको एक्सप्लेन किया, मार्केट पेंटिलेशन क्या है, मीन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केटिंग।
मतलब एक मार्केट है वो पुरानी मार्केट है एग्जिस्ट कर रही, उसमें पुरानी ही प्रोडक्ट हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा मार्केट पेंटिलेशन। तो इसमें हम ये करेंगे प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि एक चीज़ पहले से पड़ी हुई है उसकी मार्केटिंग करेंगे तो हमें उसकी सक्सेसफुल होगी ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, एक एग्जिस्टिंग मार्केट करें उसमें हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे टू गेट मोर ग्रोथ विद द मोर रेवेन्यू। उसके बाद हमारे मार्केट डेवलपमेंट क्या होगी, यहाँ देखिए मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है, तो न्यू प्रोडक्ट पुरानी प्रोडक्ट होगी तो उसकी डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती, उसकी तो प्रमोशन हो सकती है, इसलिए वो पेंटिलेशन में आती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, उसमें यानी कि तरक्की आना प्रोडक्ट में, यानी कि उसमें वेरिएशन आना और न्यू प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग मार्केट हो जाएगी, इस तरह के आप याद कर सकते हैं। मार्केटिंग डेवलपमेंट क्या होती है, यहाँ अब बात हो रही है मार्केट डेवलपमेंट यानी कि मार्केट चेंज हो रही है, पुरानी मार्केट में तो प्रमोशन हो सकती है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन न्यू मार्केट है आपने उसमें क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट के अंदर में एक नई मार्केट उसमें एग्जिस्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा मार्केट डेवलपमेंट। आगे इसी का उलट है, न्यू प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट, न्यू मार्केटिंग उसके अंदर एक न्यू प्रोडक्ट आ गई तो वो हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी वैल्यू चैन। वैल्यू चैन क्या होता है, क्या होता है वैल्यू चैन जो होती है इज़ अ चेन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। वैल्यू चेन क्या, इज़ अ चेन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल डेट परफॉर्म प्रोडक्टिंग एक्टिविटी सच अ डिज़ाइन। उनके वैल्यू चेन एक ऐसी चेन है जहाँ हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, प्रोडक्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म हो सकते हैं, चाहे वो डिज़ाइन प्रोडक्ट है, मार्केटिंग करना है, डिलीवर करना है, कंपनी को क्या भी करना है, जो भी हम मार्केटिंग चेन वो है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम प्रोडक्टिंग एक्टिविटी करते हैं वो हमारे पास वैल्यू चेन हो सकती है। वैल्यू वो आया डिज़ाइन भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, परचेज भी हो सकती है, तो वो हमारे पास क्या होगी वैल्यू चेन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ कंपनी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर हु वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ इंटायर सिस्टम। उनके वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या होते हैं, जिसमें कंसिस्ट करते हैं हमारे पास कंपनी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर जितने भी हमारे एक्टर हैं वो क्या करते हैं वर्क करते हैं एक साथ मिलकर, क्योंकि परफॉर्मेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो हमारे पास आ जाती हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग मार्केटिंग इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ बायर एंड डिफरेंट करेक्टर एट्रीब्यूट्स एंड नीड। क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ बायर को, मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर को भी डिफरेंट करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल जो करेक्टर डिफरेंट करेक्टर के होंगे उनको डिफरेंट से हम लोग डील करेंगे, जो दूसरे करेक्टर के होंगे वो उसको हम दूसरे तरीके से डील। उसके बाद हमारे पास पूछा गया सेगमेंटेशन किस तरह डन की जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह, एक तो जेंडर के लिहाज से, एक तो लोकेशन के लिहाज से, एक एज के लिहाज से। देखें अगर एक ही लोकेशन में है तो हम उनको एक जैसा डील करेंगे, लेकिन अगर वो दूसरी लोकेशन में हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे, वुमेन को डील करने का अलहदा तरीका होगा, बच्चे को बच्चे के लेवल में आकर समझाना पड़ेगा और बड़े को बड़े लेवल में आकर समझाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास इसमें आ जाती है। उसके बाद है मार्केटिंग टारगेटिंग। मार्केटिंग इज अ टारगेटिंग टू इवेल्युएट द अट्रैक्शन ऑफ मार्केटिंग इन मार्केटिंग सेगमेंट टू ऑर्डर द डिसाइड टू इंटर इन टू द एंड टू टारगेट दैट द सेगमेंट। अब मार्केटिंग टारगेटिंग क्या होती है, इज अ प्रोसेस में मार्केट टारगेटिंग, मतलब हमने एक चीज़ बनाई उसमें हमारा टारगेट होता है कि हमने इसको टारगेट कर लिया, इसके लिहाज से हमने थीम डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें बेबी कलर होते हैं पिंक कलर के, ज़्यादातर पिंक गर्ल्स के पिंक होते हैं, बॉयज़ का ब्लू होता है, तो हम लोग जब बेबी की चीज़ें लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं हमारा टारगेट एक माइंड सेट बना हुआ है कि उन्होंने बना दिया मार्केट जो बिज़नेस वालों ने कि बेबी जो गर्ल बेबी होगा उसका पिंक ही होगा, तो हम उसको खरीदें कि पिंक हमारा जो चीज़ें हम बेबी के लिए बनाएंगे तो फिर हम पिंक कलर की बनाएंगे गर्ल्स बेबी के, अगर बॉयज़ के बनाएंगे तो ब्लू कलर के बनाएंगे, क्योंकि हमारा मार्केट टारगेटिंग क्या है बेबीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास मार्केटिंग टारगेटिंग में आ जाती है। क्योंकि मार्केटिंग पोजीशंस आर प्रोसेस टू क्रिएट अ यूनिक प्लेस ऑफ प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू कम्पिटेटिव प्रोडक्ट इन अ माइंड ऑफ टारगेट कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें कोई यूनिक लेवल ले आते हैं, यूनिक लेवल ले आते हैं मतलब अब सोप बन रहा है, सोप तो 100 किस्म के बन रहे हैं, ठीक है, कोई एक्ने का बन रहा है, कोई वाइटनिंग का बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, तो सोप सोप ही होगा, वो सब सोप में कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक सोप किसी खास कैटेगरी के लिए बना दिया जाए, मतलब उसमें कोई एक खास फीचर ऐड कर दिया जाए, तो वो हमारे पास आती है मार्केटिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल अब हम इसमें दिया हुआ है सम टू पेस्ट
आर फेमस इन कैविटी प्रोटेक्शन, जैसे कि हम पे सेंसोडाइन है जो कैविटी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, कॉलगेट हो गया, ये सारी चीज़ें, इस तरह से सम ऑफ वाइटनिंग सोप है, वो क्या इनकी पोजीशन है, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। आगे है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली इसमें फोर टूल होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये मैंने आपको थीम वन में भी बहुत अच्छे डिटेल से एक एक करके चीज़ समझाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। ये सारी है कंसिस्ट ऑफ अ मार्केटिंग टूल किया जी, प्राइस, प्रमोशन, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जिसको हम इतना नहीं देखते हैं कि लास्ट टाइम पे हम ये कर चुके हैं। आगे उन्होंने हमारे पास दिए हुए हैं जी, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, थ्रेट क्या होती है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी हम आम रूटीन में स्ट्रेंथ किसको इस्तेमाल करते हैं, ताकत को, उनके इंटरनल कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीच इट ऑब्जेक्टिव, एक इंटरनल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट, इंटरनल कैपेबिलिटी होती है कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव को रीच करे, उसकी ऐसी एबिलिटी होगी ताकि वो ऑब्जेक्टिव मतलब उस तक पहुंच सके, उस पर उसे हासिल कर सके। वीकनेस क्या होती है, इंटरनल लिमिटेड ऑफ द कंपनी, लिमिटेड होती है मतलब डेट क्लियर द हैंडल्स फॉर अ कंपनी टू अचीव, ऐसी वीकनेस होती है जिसकी वजह से हम कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, वो हमारी वीकनेस होती है, कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एडवांटेजेस होती हैं, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इंटरनल, ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, आम रूटीन में पता है आपको अपॉर्चुनिटी और वीकनेस क्या होती है। थ्रेट क्या होती है, इट शो हाउ फैक्टर मे चैलेंज अ कंपनी परफॉर्म, मतलब कुछ चैलेंजेस होते हैं उसमें आपको थ्रेट होता है कि हाँ आया ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सोचा हो कि अगर आपके स्टॉक में आग लग जाएगी तो आपने उस थ्रेड है आपको, अगर वो लग जाती है उस चैलेंजिंग को कैसे डील करना है, ये आपका थ्रेड है कि हाँ आपने चीज़ें रख ली है, आया कि चीज़ डैमेज भी हो सकती है। और ये एस ओ टी एनालिसिस, इसका मतलब ही यही है, एस से मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी एंड टी से थ्रेड। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।